हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो आज गणपति बापा का लास्ट डे है, आज गौरी गणपति विसर्जन हो जाएंगे। मैंने आज मतलब 5 दिनों तक डेली व्लॉग किया, मेरे को लगा भी नहीं था डेली व्लॉग मैं कर पाऊँगा, बट किए टेढ़े मेढ़े हो, बट ट्राई किया मैंने। तो अभी मैं जा रहा हूँ रैंचो को घुमाने। सुबह से बहुत बिजी था क्योंकि आज गणपति बापा का विसर्जन है, तो उसकी सब तैयारी चल रही है। तो अभी बज गए 4 बज गए, तो कुछ 5 साढ़े 5 बजे लेके निकलेंगे गणपति पापा। आगे जो गणपति पापा रहते हैं ना, वो हमारे गणपति पापा को ये संदेशा भेजेंगे, चलो भाई निकलने का वक्त हो गया है। तो गणपति गौरी का, गौरी माता का विसर्जन है। तब तक के लिए हम और हमारा रैंचो थोड़ा इधर उधर घूम लेते हैं। रैंचो का भी आज खाना लेट हुआ हम लोग की वजह से, गणपति पापा के इसमें होता ही है लेट, क्योंकि बहुत उनके लिए मोदक विदक बनाना, भाई मेहमान है, अतिथि देव हो तो देव ही है। अभी रैंचो को घुमाने के बाद मेरे को ब्रूनो को भी घुमाना है, विनी तो ऑलरेडी घूम के आ चुकी है। अभी सब फ्रूट बीट की कटिंग हो रही है, वो प्रसाद गणपति विसर्जन जैसे हो जाते हैं ना, तो प्रसाद के तौर पर से सब मिक्स फ्रूट्स रहते हैं वैसे बांटे जाते हैं। ऐसे बहुत सारी इतने फ्रूट्स रहते हैं ना, तो उनमें लोग ऐसे मतलब सिलेक्ट कर लेंगे, आपको आगे देखने को मिल जाएगा व्लॉग में। कोई एप्पल उठाएगा, कोई बनाना उठाएगा, अपना फेवरेट फ्रूट उठाएंगे, और जो नारियल के पीछे से रहेंगे वो वही पड़े रहेंगे। डांसर ब्रूनो, ब्रूनो द डांसर। तो अभी ब्रूनो को घुमाने की बारी है, ब्रूनो को लेके आए। उसका बहुत मस्ती चलता है ना, अभी पूरा नाखून लगा दिया मेरे हाथ पे। चल इतना सा है बटलिया, बट हाल में मस्ती बहुत है। तो अभी घर में सब तैयारी चालू है, अभी इनको भी घुमाना पड़ेगा क्योंकि बीच पे लेट होगा। और अभी आसमान में तो पूरे भाई बादल है। आई होप आज बारिश ना हो, जब तक पापा का विसर्जन एकदम ठीक से नहीं होता तब तक बारिश नहीं होनी चाहिए, वरना पूरी भाग दौड़ हो जाती है। इसलिए बारिश ना हो ऐसी भाई दुआ है, पप्पा से पप्पा के लिए दुआ है। आरती कुंतलिया का ओ आलू कैसे, आरती कुंतलिया का ओ आलू कैसे, करिया की रंगनी नित्य होत से, करिया की रंगनी नित्य होत से, आरती 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 आरती, मोरिया कोवाळू आता गणेशा कोवाळू आता, आरती जय हरण मोरिया केले तत्वता, आरती जय हरण मोरिया केले तत्वता। तो अभी सब प्रसाद भी साथ रेडी है, बापा की भी आखिरी बार पूजा हो चुकी है, और हमारी बबीता मैडम, शाटू बबीता एंड गीता। तो अभी मेरे को भी होना है रेडी, कपड़े चेंज करता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ। तो लाडू आता वरच तिकडे तिकडे इकडे थांब, असं नाही घर दाखवायचं असतं सगळं, असं प्रसाद देऊन गेले तो तुम्ही वयकर उभा करून ठेव। अभी गणपती बाप्पा को आखिरी बार घर दिखाया गया है। मेरा चाचा और मेरी दादी खाली घर में रहेंगे, बाकी सब लोग जाएंगे अभी बीच पे विसर्जन को। तो अभी बीच पे निकल चुके हैं, तो आगे और भी बहुत सारे गणपति रहेंगे, तो सब एक साथ मिलके बीच पे जाते हैं। तो अभी हम लोग स्कूल के इधर, हम लोग किधर, तो अभी ऐसे लेके जाएंगे अभी गणपति बापा को सर पे उठा के। पूरा बीच तक पूरा 5 मिनट का डिस्टेंस है, बट रुक रुक के 10 मिनट्स का हो ही जाएगा आराम से। अभी निकले कितने बजे, अभी हुए 5:41। अरे यार मोबाइल भूल गया, तो अभी भाग के जाना पड़ेगा भाई, मोबाइल रह गया यहीं पे। और ऊपर माहौल भी बारिश का है, बारिश ना हो वही बेटर है आज।
रात को जितना बरसना है उतना बरस ले, अभी रुक जा भाई, विसर्जन ठीक से हो जाने दे। डन डन। ये हमारी केरला का नहीं, दिसलाच पाहिजे भावा, गौरीन गौरी घेतला माझ्या नजर देवायची। तो गणपति बापा की मम्मी अपने सामने चल रही और पीछे भी। तो फाइनली अभी पहुंच चुके हैं बीच पे। दूसरे साइड के गणपति विसर्जन हो रहे हैं। अरे भाई हमारे अजय आका, ये हमारे अजय आका, ये हमारे अजय आका का बेटा, अजय आका का बेटा छोटा अजय आका, छोटे दरिपकर और एक छोटा दरिपकर मिसिंग है। छोटा दरिपकर है, अंधेरा होने लगा है टाइम हुआ है 6:30 और क्राउड तो बहुत ही ज्यादा कम हो गया, अभी कुछ नहीं है क्राउड अभी यहाँ पे। इस साइड में थोड़ा भी बचा है। तो फाइनली दो पहलवान। ए मोनिया, ए मोनिया हार गाल मोनिया, ए अंडीपोट मोनिया अंडीपोट, ए
आ चुका है। तो अभी गणपति विसर्जन करने वाले नहाने को आए हैं अपने घर पे। कौन सा साबुन यूज करते हो भाई? लक्स कोजी। अरे वो अंडर ही है, साबुन नहीं है। तो अभी बहुत अंधेरा हो चुका है, गणपति बापा का विसर्जन हो गया, अभी घर पे जा रहे हैं। फिलहाल तो ये पत्थरों के बीच में स्ट्रगल चल रहा है, पैरों में चप्पल ना होने की वजह से चुभ रहे ऐसे पैरों को। मैं वीडियो में अपना फेस नहीं दिखाया क्योंकि अभी कैसे वहाँ पे क्राउड भी बहुत था और नॉइस इतना था, इस वजह से मेरे को फेस दिखाने का, मेरा आवाज़ ही पहली बार तो कैमरा में नहीं आ रहा था, इसलिए विदाउट फेस का ही वीडियो बनाया। फ्रेश होना पड़ेगा अभी, घर जाके एकदम मस्त फ्रेश होता हूँ। गणपति बापा जाने के बाद पूरा अभी घर सुना सुना लगेगा, ऐसे ही लगता है जैसे कि मेहमान आते हैं और वो चले जाते हैं, वैसा अभी फीलिंग आएगा घर में। बट क्या कर सकते हैं, अगर गणपति बापा जाएंगे नहीं नेक्स्ट ईयर आएंगे कैसे, उसमें भी एक मज़ा होता है। नेक्स्ट ईयर तो कभी पापा का वेट करो। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करके उस बेल नोटिफिकेशन को एकदम टंटना दो। तब तक के लिए सायोनारा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।